सो हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं नए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आ गया हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक मोबाइल की फुल फीचर्स और रिव्यू के बारे में जानेंगे। तो मोबाइल का नाम सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो सैमसंग गैलेक्सी 831 मोबाइल है, जो कि बहुत अच्छा मोबाइल है, गजब का मोबाइल है। इसमें बहुत अच्छा अच्छा आपको फीचर्स देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रैम के बारे में जान लेते हैं। तो रैम आपको 6GB इस मोबाइल में देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग गेम भी खेलते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो कि 6GB है, जो कि बहुत है। और उसके बाद अब हम इसकी इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करते हैं। तो 128GB का आपको इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग को फ़ोटो खींचना भी अच्छा है और अच्छा लगता होगा तो अच्छा है ये मोबाइल। उस कोई स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं है 128GB, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग बहुत ही अगर ऐप भी चलाते हो बहुत ज़्यादा, अगर आपने ऐप में अपने मोबाइल में अगर ऐप ज़्यादा इंस्टॉल करके रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसके बाद में हम अब कैमरा के बारे में जानते हैं। तो कैमरा आपको 4 देखने को मिल जाएगा, बैक कैमरा, और फ्रंट में आपको एक कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बैक कैमरा के बारे में जानते हैं। तो बैक कैमरा आपको 4 देखने को मिलेगा, जो कि 48 MP का मेन कैमरा होगा और एक 8 MP, 5 MP, 5 MP का आपको 4 कैमरा देखने को मिलेगा। LED लाइट होगा और HDR प्रोसेस में आपका वीडियो भी शूट होगा और 4K वीडियो भी आप शूट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। इसका कैमरा का मामले में ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से ये वीडियो भी शूट करके देता है और फ़ोटो भी कैप्चर करके देता है, जो कि बहुत अच्छा है इसका कैमरा क्वालिटी। उसके बाद अब हम सेल्फी कैमरा के बारे में जानते हैं। तो सेल्फी कैमरा आपको 20 MP का दे देगा, जो कि बहुत अच्छा HDR प्रोसेस भी देगा आपको, जो कि बहुत अच्छा से क्लियर पिक्चर क्लिक करके देता है, जो कि बहुत अच्छा है। अब हम उसके बैटरी के बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही कम बैटरी हो और ज़्यादा देर तक चले ही ना, जैसे कि मैंने चार्ज किया और 4-5 घंटा तक चला, फिर फंस गया, चार्ज ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग को आजकल अच्छा खासा बैटरी चाहिए। तो इसमें आपको बहुत अच्छा खासा बैटरी दे रखा है, जो कि 5000 mAh का बैटरी दिया हुआ है, जो कि बहुत देर तक चलेगा। 2 दिन आपका आराम से चल जाएगा, 2 दिन तक आप आराम से चलाने सकोगे। और अगर आप लोग पूरा गेम वेम खेलते हो, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तो 1.5 दिन आराम से चल जाएगा। और टाइप सी का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा है टाइप सी, और फास्ट चार्ज भी आपको देखने मिलेगा इस मोबाइल में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत देर तक मैंने चार्ज में लगा दिया और अभी 2-3 घंटा हो गया और चार्ज फुल हुआ ही नहीं, ऐसा इस मोबाइल में नहीं आने वाली है प्रॉब्लम। इसमें बहुत जल्दी फास्ट चार्ज कर देता है, जो कि 15 वाट से फास्ट चार्ज करता है, जो कि बहुत अच्छा है, आपके मोबाइल को बहुत ही जल्दी फास्ट चार्ज कर देगा। 4G मोबाइल ये है, 5G नहीं है, 4G है। और 2 SIM आप इसके अंदर में घुसा सकते हो, जो कि बहुत अच्छा है। और प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि Helio P65, जो कि बहुत अच्छा प्रोसेसर है, जो कि गेम के लिए भी बहुत अच्छा है। गेमिंग खेलेगे तो आपको कोई लैग या हैंग का इशू नहीं आएगा, जो कि बहुत अच्छा प्रोसेसर है। डिस्प्ले साइज़ की अब हम बात करते हैं कि कितना बड़ा मोबाइल है। तो 6.4 इंचेस का इसका डिस्प्ले साइज़ है, जो कि बहुत अच्छा है। अब हम रिफ्रेश रेट की बात करते हैं कि ये फास्ट है कि स्लो है, इसका रेस्पॉन्स कैसा है मोबाइल का टच का। तो आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट दे रखा है, जो कि बहुत अच्छा है, फास्ट है। अगर आप लोग गेम वेम भी खेलोगे, अगर फास्ट मूव करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 60Hz काफ़ी है। और उसके बाद अगर आप लोग फ्री फायर पबजी खेलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रैम भी इसका बहुत ज़्यादा है, कोई हैंग या कोई लैग का प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद अब हम इसकी डिस्प्ले प्रोटेक्शन यानी कि स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो आपको गोरिल्ला ग्लास दे रखा है, जो कि बहुत अच्छा गोरिल्ला ग्लास है, आपके डिस्प्ले को फुल प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपका हाथ मोबाइल गलती से गिर भी जाए हाथ से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ है। उसके बाद अब हम इसकी स्पीकर के बारे में बात करते हैं कि कैसा है इसका स्पीकर। तो बहुत ही लाउड है, जो कि बहुत अच्छा स्पीकर है। 3.5 mm का आप लोग ऑडियो जैक भी लगा सकते हैं। एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो 10 वर्जन का आपको एंड्रॉयड वर्जन दे रखा है, जो कि बहुत अच्छा है इसका एंड्रॉयड वर्जन भी। और इस मोबाइल की वज़न की बात करें यानी कि वेट की, तो 185 ग्राम का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ज़्यादा भारी भी नहीं है ज़्यादा, और हल्का ही मोबाइल है, जो कि बहुत अच्छा है। आप लोग अगर उठाओगे तो बहुत अच्छा से आपको महसूस फील होगा। थिकनेस की बात करें तो 8.6 mm का है, जो कि बहुत अच्छा है, ज़्यादा मोटा यह मोबाइल नहीं है।
पतला मोबाइल है। हाइट की बात करें मोबाइल का तो 159.3 mm का है, जो कि बहुत अच्छा है। अब हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं, विड्थ की तो 73.1 mm का है, जो कि बहुत अच्छा है। यानी कि मोबाइल आपको बड़ा देखने को मिल जाएगा, अच्छा खासा मोबाइल है। मोबाइल बड़ा है, पतला है, लंबा है, जो कि बहुत अच्छा लगेगा। और आपको चार कलर इस मोबाइल को देखने को मिलेगा, चार कलर में, जो कि बहुत अच्छा अच्छा कलर है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं उसके कलर के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको एक ब्लैक कलर देखने को मिल जाएगा, ब्लू, रेड, वाइट, ये चार आपको कलर इस मोबाइल में देखने को मिलेगा। तो आप लोग को जो कलर पसंद आए आप लोग वो ले सकते हो। और आप लोग पूछेंगे कि ये मोबाइल हम लोग को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मेरी मानिए तो आप लोग ले सकते हो, क्योंकि इसमें फ़ीचर्स बहुत कुछ है और इसका प्राइस भी बहुत कम है। तो चलिए इसकी प्राइस के बारे में भी जान लेते हैं। तो आपको ये 17,000 का ये मोबाइल देखने को मिल जाएगा। 17,000 में 6 GB रैम, 128 GB काफ़ी है, अच्छा है। 5000 mAh का बैटरी आपको दे रखा है, प्रोसेसर भी अच्छा खासा है। अब हम इसकी बात करते हैं कि फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिलेगा कि नहीं। तो फिंगरप्रिंट भी आपको इस मोबाइल में देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा पोजीशन है। इसका अंडर डिस्प्ले है, यानी कि स्क्रीन के अंदर, जो कि बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप लोग खरीदोगे तो मिलेगा क्या क्या आपको बॉक्स के अंदर में, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक ट्रांसपेरेंट कवर दे दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंट कवर है। एक मोबाइल दे दिया जाएगा जो कि सैमसंग गैलेक्सी A31, जो कि बहुत अच्छा मोबाइल है, जैसा कि मैंने बताया आप लोग को। एक चार्जर दे दिया जाएगा जो कि बहुत अच्छा चार्जर है, 15W से फास्ट चार्ज करता है। एक टाइप सी का डाटा केबल दे दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छा डाटा केबल भी क्वालिटी है। और आपको एक पिन दे दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप अपना SD कार्ड या तो अपने सिम को निकाल या तो घुसा सकते हो। तो यही सभी इस मोबाइल का फीचर्स, फैसिलिटी और स्पेसिफिकेशंस। तो फुल रिव्यू मैंने इस मोबाइल का कर दिया, अगर आप लोग को लेना है तो आप लोग ले सकते हो, बहुत अच्छा मोबाइल है। और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जल्द से लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहते हैं। आप लोग को अगर कुछ भी कमेंट करना है तो जस्ट कमेंट कर दीजिए, आप लोग को कुछ भी पूछना है तो जस्ट कमेंट कर दीजिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। और आगे आने वाली अगर कोई भी वीडियो आप लोग को चाहिए तो आप लोग जस्ट कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर मैं जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द लेके आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।